Hi guys, welcome to the new video. We are going to study about computer softwares. ये आपका second chapter है और इसका नाम है computer software. Computer को चलाने के लिए software की ज़रूरत होती है. But why? Why we need software to run the computer? तो हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है software की, ये हम जानेंगे एक example से. Suppose that this is a car. और इस car में कोई driver नहीं है. तो ये कार क्या अपने आप चलेगी? नहीं चलेगी ना. तो इस कार को चलाने के लिए हमको एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है जो कि इस कार को इंस्ट्रक्शंस देता है. ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर इस कार को इंस्ट्रक्शंस देगा तभी तो ये कार चलेगी. ओके, इसी तरह से कंप्यूटर भी एक बॉक्स है, वो भी कार की तरह अपने आप नहीं चलेगा. इसको चलाने के लिए भी एक यूजर की ज़रूरत होती है. अब ये यूजर कौन होता है? यूजर वो होता है जो हमारा कंप्यूटर यूज करता है. जैसे कि आप अगर कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो आप एक यूजर हुए. अब ये यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है, जैसे कि ड्राइवर हमारा कार को इंस्ट्रक्शन देता है चलाने के लिए. जो इंस्ट्रक्शंस ये हमारा कंप्यूटर को देता है उसका हम पूरा एक सेट बना लेते हैं, उस सेट को हम प्रोग्राम कहते हैं. तो चलिए देखते हैं आगे. यहाँ पर हमको एक डेफिनेशन मिल जाती है प्रोग्राम की. द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज प्रोग्राम. प्रोग्राम क्या होता है? जो इंस्ट्रक्शंस यूजर ने दिए हैं कंप्यूटर को उसका पूरा एक सेट, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं. अब यहाँ देखिए, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कहते हैं. फिर से हम इस प्रोग्राम का सेट बनाते हैं जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. आज हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे. ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है. सॉफ्टवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डेट आर स्टोर्ड एंड रन ऑन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड हेल्प द यूजर टू वर्क ऑन द कंप्यूटर. तो ये सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम्स का कलेक्शन है, बहुत सारे प्रोग्राम्स का सेट है ये समझ लो, और वो हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर पे रन करता है. ये सॉफ्टवेयर यूजर की मदद करता है कंप्यूटर को चलाने में. बस यहीं तक डेफिनेशन है इसकी, आगे देखेंगे. सॉफ्टवेयर इज़ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन. तो ये सॉफ्टवेयर को हम ना देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है. हार्डवेयर को हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, लेकिन हम सॉफ्टवेयर को ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं. यहाँ पर सॉफ्टवेयर के दो पार्ट होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर का काम संभालते हैं. अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में ना हो तो हम कोई भी काम कंप्यूटर पर नहीं कर सकते, लेकिन हम डायरेक्टली इनसे कोई काम नहीं करते. तो इसका एक एग्जांपल है जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो हम विंडो डालते हैं कंप्यूटर में उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. तो हम विंडो से तो कुछ काम करते नहीं हैं. अगर हमारे कंप्यूटर में विंडो ना हो तो वो चलेगा ही नहीं, तो हम काम कैसे कर सकते हैं? लेकिन इसने कोई डायरेक्टली हमारा काम तो नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली इसने बहुत सारा हमारा काम कर दिया. अब जानते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिससे एक यूजर हमारा काम करता है. जैसे हमको ड्राइंग बनानी होती है तो हम एमएस पेंट खोल लेते हैं. तो एमएस पेंट क्या हुआ? वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. एप्लीकेशन को हम शॉर्ट में ऐप भी बोलते हैं, जो आपके मोबाइल में भी होते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, और भी बहुत सारे ऐप हैं तुम्हारे मोबाइल में, तो उसको हम ऐप बोलते हैं. और इसी तरह से एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर में होते हैं, जैसे गूगल क्रोम है, एमएस पेंट है, और VLC मीडिया प्लेयर है जिस पे हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में होते हैं. अब यहाँ पे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक लैंग्वेज प्रोसेसर और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब इन पार्ट्स के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे, लेकिन तब तक आपको ये सब दोबारा रिवाइज करना है और इसको समझना है. अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आपको आगे का समझ में नहीं आने वाला. तो इस वीडियो को तब तक देखो तब तक ये समझ में ना आ जाए. फिर अगली वीडियो में हम आगे का बताते हैं. थैंक यू.